Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fourth lesson of economics, that was globalization and the Indian economy. कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कुछ प्रभाव उसके पड़े, किस प्रकार हम ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ होता है, किसी भी जगह होता है, किस प्रकार अमन चीज बनती है, अमन चीज है क्या, किस प्रकार फॉरेन ट्रेड बढ़ा, किस प्रकार लिबरलाइजेशन किया गया, क्यों किया गया, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन के लिए ज्यादा एफर्ट्स करता है, लॉज बनाता है, WTO, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड लेसन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. अगर हम नए सिलेबस की बात करें जो कि CBSE ने कम करने के बाद क्या उसके अनुसार थर्ड लेसन जो हमारा है और सेकंड लास्ट लेसन है किसका, जियोग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग. जहां अब सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग जब आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन ही, व्हाट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मींस इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट. कि हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में, ज्यादा एक बहुत बड़ी संख्या में, वो सारा हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है. अब ये मैन्युफैक्चरिंग होगी, इस मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस आपका दे रखा है बुक में, इसी प्रकार क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज, उसके अलावा व्हाट रोल मैन्युफैक्चरिंग प्ले और सेकेंडरी सेक्टर प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ इट इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी, किस प्रकार बैकबोन है, तो उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में. उसमें वन बाय वन अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज आधुनिकीकरण करने में इंडस्ट्रीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. कैसे, मोस्ट द इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रीज, हाईली वैल्यूएबल सीड्स आर प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ऑल आर मेड इन इंडस्ट्रीज, देन आफ्टर टूल्स एंड मशीन्स फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरीगेशन पंप सेट्स, ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इट मीन्स दीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. सेकेंड, इट also lower down the pressure of unemployment on agriculture. हमारे यहाँ सब ज्यादा रोजगार कहाँ लगा हुआ है, एग्रीकल्चर के अंदर, उसको थोड़ा कम कर देता है कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है जो आप पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स में, तो उसको कम करता है, मूव करेंगे लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. कहीं भी अगर रोजगार को कम करना तो सबसे पहली शर्त है कि वहां सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप किया जाए. तीसरा, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज द ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारे व्यापार को बढ़ावा देता है, जैसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, वी आल्सो गेट फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी जिसके अंदर हम और व्यापार आगे अपना कर सकते हैं. उसके साथ साथ हमारे यहाँ ये जो सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है वो रोजगार वगैरह प्रोवाइड करने के साथ साथ, हमारे यहाँ इतने बड़े लेवल पर रोजगार देने के साथ साथ किसी भी देश के डेवलपमेंट में भूमिका निभाने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा की, वी कैन इंक्रीज. और एक हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड हैव ए लार्ज परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन GDP, उसका बहुत बड़ा योगदान सेकेंडरी सेक्टर का होता है. ये हमारे सामने एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर प्रोस्पेरस हैव ए गुड डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर, तो अच्छा डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे की पूरक है, यानी दूसरी एक दूसरे पर निर्भर भी है. कैसे है तो उसमें हम देखेंगे, शुरू में हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज फॉर द डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर यूज इन एग्रीकल्चर. बहुत सारी चीजें ऐसी जो इंडस्ट्रीज से आती हैं, पहले एग्जाम्पल हमने दिया पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाईलिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, टूल्स एटसेट्रा, मशीन एटसेट्रा, वी गेट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, सम इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, इट मीन्स दे आर यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. इसका मतलब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, जैसे जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती है, उसके आधार पर डेवलप होती है. अब अगर हमें इस सेक्टर को और मजबूत करना है, देश की इकोनॉमी को और मजबूत करना है, वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटेटिव, हमें थोड़ा सा और अपनी क्वालिटी को बढ़ाना होगा, एडवांसमेंट को बढ़ाना होगा,
सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट एनफ, कि खुद का डिसीजन नहीं, हमारे इतना प्रोडक्शन कर लिया, हमारे जरूरतें पूरी हो, पर्याप्त नहीं है। वी मस्ट बी एट पार विद द क्वालिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट, हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे क्वालिटी की चीजें आती है उसके अनुसार हमने अपने आपको डेवलप करना होगा टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, ताकि हम कम्पिटिशन कर पाए। अब उसके बाद हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भूमिका किस हद तक योगदान देती है, तो हमने देखा पिछले 20-30 साल में ये लगभग 17% के आसपास स्टैग्नेटेड, हम अपने जीडीपी में इसका योगदान 17% से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और हमारा टारगेट है कि इसको आने वाले कुछ समय के अंदर 12% पर एनम की ग्रोथ पर ले जाए, पर हर साल 12% की ग्रोथ इसी कर दे, जो कि 8 या 9% से ऊपर नहीं बढ़ी है। तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की महत्वपूर्ण चीजें। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल लोकेशन, लोकेशन कौन सी होती है, कहाँ इंडस्ट्रीज लगती हैं, ये आप 8th-9th class में पढ़ के आए हो, 8th class में ज्यादा इसके बारे में दे रखा था। इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी होती है, कि हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, स्किल अनस्किल्ड लेबर मिल जाए, कैपिटल की फैसिलिटीज हो, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, मार्केट नियर बाय मार्केट इज देयर, कि ये सारी सुविधाएं हो तो हम इंडस्ट्रीज वहां लगाने का प्रयास करते हैं, लगाते हैं वेयर ए चीप लोकेशन, जहां मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होता हो, लागत कमाती हो। उसके बाद एक वर्ड आया आपकी इस बुक में, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कौन सी है, वेयर ए नियर बाय मार्केट, मार्केट नजदीक है, टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट मार्केट मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर, उस आसपास जो मार्केट है उसका बेनिफिट लेने के बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक ही जगह लग जाए, दैट इज कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।